कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो माति संगो कवि कर्मणि। माता और पुत्र का नाता संसार के तमाम नातों की बुनियाद है। न इस प्रेम से महान कोई प्रेम है, न इस प्रेम से महान कोई और प्रेम हो सकता है। जिसे अपनी माता की सेवा का अवसर मिले, समझो उसे इसी संसार में वैकुंठ का आनंद प्राप्त हो गया। सौभाग्यशाली है वो संतान जो मां की सेवा और देखभाल को अपना धर्म समझती हो। प्रहलाद को पिता का प्यार नहीं मिला था, उसके लिए तो उसकी माता ही सब कुछ है। मां को बीमार देखकर उसे लगा कि स्वयं उसका संसार डावाडोल हो रहा है। ये बात केवल मैं जानती हूं कि मां के बिना प्रहलाद की दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि मैं स्वयं मां हूं, धरती मां। पुत्र प्रहलाद, माते आप क्या बात है पुत्र, आज संध्या होते ही सो गए। तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ना? मुझे कुछ नहीं हुआ माते, मैं बिल्कुल ठीक हूं। माते, मुझे अभी अभी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने दर्शन दिए। अच्छा, कितना सौभाग्यशाली है तू। क्या कह रहे थे वे पुत्र? वो विरोचन और सुधन्वा के विवाद में मेरे निर्णय से अत्यंत प्रसन्न थे। माते, आप मेरे स्वास्थ्य के विषय में पूछ रही थी, किंतु स्वयं आप कितनी दुर्बल दिखाई दे रही हैं। कुछ नहीं पुत्र, कदाचित मैं भी थक गई हूं। आयु भी तो शरीर से अपना मूल लेती है, वृद्धावस्था में पग धर चुकी हूं मैं। मुझे कुछ और संदेह हो रहा है माते। संदेह? कैसा संदेह पुत्र? मैं बहुत अभागा हूं माते। यह तो क्या कह रहा है पुत्र? हां माते,
मैंने दो बार आपके मन को ठेस पहुंचाई है। एक बार जब मेरे कारण पिताश्री का वध हुआ। मैं जानता हूं माते कि आप पिताश्री से कितना स्नेह करती थी, कितनी सेवा करती थी आप उनकी, पर जब समय आया तो मैं विवश हो गया, कुछ ना कर सका। और इस बार फिर जब मैं आपके लाडले पौत्र को वो न दे सका जो वो चाहता था, आपने पहली बार मुझसे कुछ मांगा और मैं दुर्भाग्यवश आपको वो भी न दे सका। इसी कारण आप निराश और अस्वस्थ हो गई हैं माते। नहीं पुत्र, मैं तो स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशालिनी समझती हूं कि मुझे तुझ जैसा योग्य और कर्मठ पुत्र मिला। तू अपने पिता के आगे भी अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहा और पुत्र प्रेम में भी तूने न्याय की डोर अपने हाथों से नहीं छोड़ी। जिस कार्य के लिए तुझे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बधाई दे, भला उस पर मैं प्रसन्न क्यों ना होंगी। तेरा न्याय देखकर तो मेरे भी नेत्र खुल गए पुत्र। मैं तो स्वयं तुझसे क्षमा याचना करने आई थी। ऐसा मत कहिए माते, आपने मेरे कारण जीवन में बहुत दुख झेले हैं। मैं तो कई जन्मों में भी आपका ऋण नहीं चुका सकता। नहीं पुत्र, मुझे तभी चैन आएगा जब तू एक बार अपने मुख से ये कह देगा कि तूने मुझे क्षमा कर दिया। ये क्या हो गया आपको माते? तू नहीं समझेगा पुत्र, बस एक बार कह दे कि तूने मुझे पुत्र वधु धृति को और पात्र विरोचन को मान से क्षमा कर दिया है। पुत्र, मैं जब तक ये शब्द नहीं सुन लूंगी मेरी व्याकुलता कम नहीं होगी। माते, माते, अरे कोई है माते? शिष्य विरोचन, उधर क्या देख रहे हो? जिधर सूर्य अस्त हो चुका है उस दिशा की ओर देखो जिधर से नया सूर्य निकलने वाला है। डूबता सूर्य हमारे किस काम का? गुरुदेव, मैं उस ओर इसलिए देख रहा था कि जिस प्रकार आकाश का सूर्य अस्त हो चुका है उसी प्रकार मेरे सौभाग्य का सूर्य भी अस्त हो चुका है। यदि कन्या के न मिलने से असुरलोक के महान युवराज के सौभाग्य का सूर्य अस्त हो सकता है, तब तो ये समझ लेना चाहिए कि समस्त असुरलोक के भविष्य का सूर्यास्त हो गया। क्या कन्या को पाने की इच्छा में इतना ताप था कि उसने एक युवराज के समस्त उत्तरदायित्व, एक भावी सम्राट के समस्त कर्तव्य मोम की भांति पिघला दिए? मुझसे इतने ऊंचे स्वर में बात करने का साहस आज तक किसी कन्या ने नहीं किया। और मैंने जिस युवराज को आदर्श माना था उसके साहस का स्वर इतना नीचा भी हो सकता है? कौन हो तुम? ये दानवराज तारकासुर के महामंत्री विशालाक्ष की सुपुत्री विशालाक्षी है शिष्य। परंतु ये यहां क्या कर रही है?
ये युवती अपने पिताश्री की अनुमति लेकर अपने लिए वर ढूंढने निकली है। दिन भर वर की खोज में व्यस्त रहती है और रात्रि को किसी मंदिर में जाकर शरण लेती है। ना जाने इसकी ये यात्रा कब समाप्त होगी। मुझे लगता था कि मेरी यात्रा समाप्त हो चुकी है कुलगुरु, किंतु युवराज, युवराज, राजमाता का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया है। महाराज ने आपको तुरंत आने का आदेश दिया है। क्या क्या हुआ दादीश्री को? पता नहीं युवराज, किंतु आपको तुरंत बुलाया है। चलो। कुलगुरु, मैं भी उस महान देवी के दर्शन करना चाहती हूँ जिसने सम्राट प्रहलाद जैसे महान व्यक्तित्व को जन्म दिया है। अवश्य पुत्री, आओ मेरे साथ। इतना कठोर दंड मत दीजिए मुझे माते, मेरे लिए तो माता भी आप हैं और पिता भी। आपके बिना रहने का न मुझे अभ्यास है और न कभी मैंने इसकी कल्पना की है। मेरा साहस टूट जाएगा माते, मैं टूट जाऊंगा माते। पुत्र प्रहलाद, उस मां से अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा जिसे अपनी अंतिम यात्रा के लिए अपने पुत्र के सशक्त कंधे मिल जाए। पौत्र विरोचन कहां है? दादीश्री, दादीश्री, ये क्या हो गया दादीश्री? पौत्र, दादीश्री, यदि आपके मन पर आघात इसलिए लगा है क्योंकि पिताश्री का निर्णय मेरे विरुद्ध गया था, तो आप उसे भूल जाइए। दादीश्री, हम सब अपने सिर पर आपकी स्नेह छाया देखना चाहते हैं। नहीं पौत्र, सारे सपने साकार हो चुके हैं, बस एक खटक मन में लेकर जा रही हूं। आदेश दीजिए माते, क्या खटक रह गई आपके मन में माते? बस एक इच्छा अधूरी रह गई, पौत्र विरोचन मेरे ही जीवन में राजा बन जाता। परंतु जीवन की हर इच्छा पूरी तो नहीं हो पाती। आपकी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी माते, मैंने स्वयं संन्यास लेने का निर्णय कर लिया था। मैं आपको बताने ही वाला था कि आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया। पिताश्री, ये इन सब बातों का समय नहीं है। नहीं पुत्र, यही समय है, यही उचित समय है। अब ये कार्य अभी होगा, इसी समय होगा। आप बहुत उचित समय पर आ गए गुरुदेव, यह कार्य अभी संपन्न होना है। दासी, गुरुदेव, विरोचन का राज्य अभिषेक कीजिए। पुत्र विरोचन, स्वस्ति न इंद्रो वृत्रसवा, स्वस्ति नो पुरुषो विश्ववेदा, स्वस्ति नो शत्रु न अरिष्टनेमी, स्वस्ति नो बृहस्पति दीर्घातु। आयुष्मान भव, thank you.
प्रणाम दादीश्री। यशस्वी हो पौत्र, मुझे एक वचन दे पौत्र। आदेश दीजिए। तो आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प नहीं करेगा? विवाह अवश्य करेगा पौत्र, हमारा वंश चलाएगा। दादीश्री, मैं तो आपकी इच्छा पूरी करना चाहता हूं, परंतु कदाचित ये मेरे भाग्य में नहीं लिखा है। अपने व्यवहार के कारण मैं दीपावली के योग्य नहीं रहा, और लगता है आज भी भाग्य ने यह अवसर मुझसे छीन लिया। नहीं युवराज, तुम कौन हो पुत्री? मैं दानवराज तारकासुर के महामंत्री विशालाक्ष की पुत्री विशालाक्षी हूँ। हे महादेवी, मैं अपने लिए वर ढूंढने निकली थी। मैंने युवराज विरोचन को देखा तो मुझे लगा कि मुझे और भटकना नहीं पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि यदि आप मुझे युवराज के योग्य समझें तो मैं उनसे विवाह के लिए तैयार हूँ। परंतु मेरे पास इतना समय नहीं है पुत्री। यदि आप अनुमति दें तो मैं अभी इसी समय युवराज से गंधर्व विवाह कर सकती हूँ। चुक चुक जी पुत्री, तुमने मेरी अंतिम यात्रा सरल कर दी, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। हे गुरुदेव, इस मंगल कार्य को अभी कर दीजिए, अब मेरे पास अधिक समय नहीं है। पुत्र विरोचन, मैं चंद्रमा, नक्षत्र, वायु और दीप शिखा को साक्षी बनाकर युवराज विरोचन और सुकन्या विशालाक्षी को वर वधु घोषित करता हूं। पुत्र प्रहलाद। दादीश्री। माताश्री। दादीश्री। माताश्री। आप मुझे विदा करो मेरे लाडलो, मैं इस संसार से संतुष्ट और सुखी होकर जा रही हूं। तुम में से कोई भी यदि मेरी मृत्यु पर रोया तो मेरी आत्मा को दुख देगा। ये बहुत भाग्यशाली दिन था, आज मेरे मन की सारी इच्छाएं पूरी हो गई। मैं अपने कुल को मंगलमय वातावरण में छोड़कर जा रही हूं, और मुझे अपने जाने का कोई दुख नहीं। दादीश्री, दादीश्री, बाते, बाते। Thank you.
यशस्वी भव। आयुष्मान भव। सुखी रहो। तेजस्वी भव पुत्र, आओ। सिंहासन पर विराजो, अपना राजकाज संभालो और जनता को न्याय दो। पिताश्री, मैं आपसे अब भी यही विनती करता हूं कि आप अपना निर्णय बदल दें। असुरलोक को आपकी आवश्यकता है, मुझे आपकी आवश्यकता है और प्रजा भी यही चाहती है। पिताश्री, आपके होते हुए मैं स्वयं को इस सिंहासन के योग्य नहीं समझता। योग्यता तब तक सिद्ध नहीं की जा सकती जब तक उत्तरदायित्व की चुनौती स्वीकार न की जाए। पुत्र, हर पीढ़ी का कर्तव्य है कि वे नई पीढ़ी को आगे आने और अपनी योग्यता दिखाने का अवसर दे। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुम मेरे रहते ही सिंहासन पर बैठ रहे हो और मुझे विश्वास भी है कि तुम अपने उत्तरदायित्व को भली भांति निभाओगे। हे सामंतगणों, हे असुरलोक के वासियों, मैंने यथाशक्ति आप सब की सेवा की है और आप सबको न्याय देने का प्रयत्न किया है। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप सब मेरे पुत्र को भी वही सहयोग देंगे जो आपने मुझे दिया। अब मुझे अनुमति दीजिए और मुझे विदा कीजिए। नारायण नारायण। आज बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही हैं माते। हाँ देवर्षि, मेरा पुत्र प्रहलाद कितना महान है। ऐसे महान भक्त और महान त्यागी को सारा संसार कभी भी भुला ना पाएगा। जो उसने आज किया वो सदा के लिए एक उदाहरण बनकर रह जाएगा। आपका संकेत किस महानता की ओर है माते? देवर्षि, सत्ता और सिंहासन कौन छोड़ता है। पुत्र हर पल ये आस लगाए रखता है कि उसके पिता का अंत हो जाए और सत्ता उसके हाथ आ जाए, और पिता हर पल पुत्र की ओर संदेह से देखता है कि कहीं उसका पुत्र उससे उसकी सत्ता छीन न ले। किंतु मेरे पुत्र प्रहलाद ने स्वयं अपने सिर से मुकुट उतार कर अपने पुत्र को सत्तारूढ़ किया है। मेरा पुत्र चाहता तो कई वर्ष तक राज कर सकता था। उसकी भुजाओं में बल था, उसकी विचार शक्ति तब भी प्रबल थी और उसकी प्रजा तब भी उस पर अपने प्राण न्यौछावर करती थी, फिर भी उसे राज्य का मोह नहीं था। ये भक्ति का प्रभाव था, विवेक का प्रमाण था माते। प्रहलाद ने रहस्य जान लिया था कि हर पीढ़ी को चाहिए कि वो आने वाली पीढ़ी को प्रोत्साहन दे, उसे आगे बढ़ने और जीवन का भार स्वयं उठाने का अवसर दे। मेरे पुत्र का जीवन तो तप और त्याग का एक जीता जागता उदाहरण है।
असत्य पर सत्य की विजय की कथा तो उसी से आरंभ होती है और उसी पर उसका अंत होता है। कहीं तो मैं आपसे सहमत नहीं हूं माते। क्यों देवर्षि, आप मुझसे सहमत क्यों नहीं? मैंने कोई अनुचित बात तो नहीं कही? अनुचित बात तो नहीं कही आपने माते, किंतु भावुकता से परिपूर्ण बात अवश्य कह दी। मैं समझी नहीं देवर्षि। इसे भले ही कोई विडंबना कहे, किंतु ब्रह्मांड में सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, इनका जन्म तो एक साथ ही हुआ है और इनका अंत भी तभी होगा माते जब पूरे ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। और जब तक ब्रह्मांड का अंत नहीं होता तब तक सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, इनका संघर्ष तो चलता ही रहेगा माते। यदि ऐसा न हो तो महानता और हीनता की परीक्षा कैसे हो? माते, सत्य तो यह है कि यदि असत्य न हो तो सत्य की महानता का ज्ञान कैसे हो? अधर्म न हो तो धर्म की पवित्रता का पता कैसे चले? ये युद्ध तो सदा से चलता रहा है माते, और चलता ही रहेगा। तो क्या असत्य कभी सत्य से नहीं हारेगा? हारेगा माते, अवश्य हारेगा। जब भी असत्य और सत्य के बीच युद्ध होगा असत्य ही हारेगा, किंतु वह अपनी हार कभी मानेगा नहीं। अवसर पाते ही वह अपना सिर फिर उठाएगा और सत्य पर आघात करने की चेष्टा करेगा। माते, सूर्य के तेज से भयभीत होकर अंधेरा भाग जाता है, किंतु जैसे ही दिन भर की यात्रा करने के उपरांत सूर्य थककर चूर हो जाता है, अंधेरा पुनः अपना सिर उठाने लगता है। इसी प्रकार माते, असत्य भी सत्य के समक्ष खड़ा नहीं हो सकता, किंतु समय के साथ साथ जब सत्य शिथिल पड़ जाता है असत्य फिर अपना रंग दिखाने लगता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि प्रहलाद ने जिन आसुरी शक्तियों का दमन किया था वो एक बार फिर सिर उठाने के लिए व्याकुल हैं और केवल अवसर खोज रही हैं। आपका अनुमान सर्वथा सत्य है माते। देवर्षि, क्या असुर लोक में फिर कोई नया उत्पात जन्म लेने वाला है? क्या इतिहास स्वयं को दोहराने वाला है? माते, यदि प्रहलाद की संतान और उसकी संतान की संतान ने इतिहास से सीख नहीं ली तो उसे इतिहास दोहराने का दंड तो अवश्य ही मिलेगा। मेरा मन तो कांप रहा है, न जाने क्या होने वाला है आगे। माते, ये मैं खुलकर इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि ये मेरे पिताश्री ब्रह्मा का क्षेत्र है। भाग्य विधाता तो वही है, उन्होंने प्रहलाद की संतान के भाग्य में क्या लिख दिया है यह तो वही बता सकते हैं। मेरा कार्य तो सृष्टि की रक्षा के लिए अपने नारायण का संदेश घर घर में पहुंचाना है। माते, ये न भूलिए कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य अब भी उन्हीं के बीच हैं। उनके अपमान के घाव ऊपर से दब तो गए हैं किंतु अंदर से भरे नहीं हैं। माते, जब भी अहंकार की पुरवाई चलती है उनके घाव में टीस फिर से उठने लगती है। पिताश्री, आप मैं आपके दर्शन से धन्य हो गया। पिताश्री, विश्वास कीजिए, कई दिनों से इच्छा हो रही थी कि मैं स्वयं चलकर आपके चरणों में शीश नवाऊं, परंतु अवसर नहीं मिला, यही ना? मैं जानता हूं पुत्र,
महाराज प्रहलाद के संन्यास पर जाने के उपरांत तुम्हारे दायित्व का बोझ बढ़ चुका है। हां पिताश्री, यह सत्य है। मेरा शिष्य विरोचन मार्गदर्शन के लिए मुझ पर आश्रित रहता है और मैं भी उस पर अपने पुत्र जैसा स्नेह रखता हूं। परंतु पिताश्री, मैं जानता हूं कि विश्व में आपसे बड़ा ज्योतिषाचार्य और कोई नहीं, इसलिए मुझे शंका हो रही है कि आपका यहां पधारने का कारण अपने पुत्र से भेंट करना नहीं। आप अवश्य मुझे किसी संकट से सचेत करने आए हैं। तुम्हारा अनुमान ठीक है पुत्र, मेरा ज्ञान कह रहा है कि तुम्हारे शिष्य के सिर पर, जिसे तुम अपने पुत्र की भांति चाहते हो, एक विकट समय मंडरा रहा है। विकट समय? हां पुत्र, उसके प्राणों को संकट है। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? ये मैं नहीं कह रहा हूं पुत्र, ये तुम्हारे शिष्य विरोचन के नक्षत्र कह रहे हैं, उसका लग्न कह रहा है, उसकी राशि कह रही है। उसके सारे नक्षत्र कुछ इस तरह से एकत्रित हुए हैं कि उसकी अचानक और अकाल मृत्यु की संभावना प्रबल दिखाई देने लगी है। विरोचन मुझे बहुत प्रिय है पिताश्री, बहुत प्रिय। मैं कोई भी मूल्य चुकाकर उसके प्राण बचाना चाहूंगा, पर आपको मेरी सहायता करनी होगी। क्या इस अचानक और अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? यदि है तो बताइए, मैं स्वयं उसका पालन करूंगा। यदि उपाय न होता पुत्र, तो मैं केवल यह बताने इतनी दूर न चला आता कि तुम्हारा शिष्य काल के मुख में समाने वाला है। उपाय है पुत्र, उपाय है, किंतु इस उपाय का पालन तुम्हें नहीं, स्वयं सम्राट विरोचन को करना होगा। आप मुझे वो उपाय बताएं पिताश्री, मैं अपने शिष्य से उसका पालन करवाऊंगा। उसे हिम्मत में रहकर साधना करनी होगी। हिम्मत में साधना? हां पुत्र, उसे हिमालय जाकर गर्दन तक हिम में गड़कर 10 वर्ष तक तपस्या करनी होगी, और 10 वर्ष के पश्चात जब षष्ठी के दिन उसकी तपस्या का अंत होगा, तभी उसके प्राणों का संकट भी टलेगा। कर पाएगा वो ये कठोर तप? क्यों नहीं कर पाएगा पिताश्री, मैं उसे इस तपस्या के लिए तैयार करूंगा। बहुत कठिन है यह तपस्या पुत्र, बहुत कठिन है, परंतु मेरे शिष्य के लिए बहुत सरल है, क्योंकि इस प्रकार की तपस्या का अभ्यास उसके रक्त में खुला हुआ है। उसके दादा श्री हिरण्यकश्यपु ने भी ऐसी ही कठिन तपस्या की थी। तो फिर एक बात और जान लो पुत्र, ऐसे कार्य में तनिक भी विलंब नहीं होना चाहिए। इस घड़ी और इस तपस्या के बीच कोई और कार्य, कोई और विचार इस तपस्या के प्रभाव को दुर्बल कर सकता है। मैं इसी क्षण शिष्य विरोचन के पास जाता हूं। आभार पिताश्री, मुझ पर और मेरे पुत्र समान शिष्य पर कृपा करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं तुम्हें और तुम्हारे शिष्य को दीर्घायु होने का आशीर्वाद देता हूं, परंतु तुम्हें उसे अभी हिमालय भेजना होगा। जो आज्ञा पिताश्री। इसी समय गुरुदेव? हां शिष्य, केवल इसी समय नहीं, इसी क्षण। परंतु गुरुदेव, महारानी विशालाक्षी किसी भी क्षण मेरी संतान को जन्म दे सकती है, वो प्रसव पीड़ा में है। मैं आपको वचन देता हूं, अपनी संतान का मुख देखते ही मैं यहां से चला जाऊंगा।
मैं तुमको परामर्श दूंगा कि संतान का मुख देखने की प्रतीक्षा मत करो। एक एक पल मूल्यवान है। संतान को संसार में आने में विलंब भी हो सकता है और इस विलंब से कोई अंतर भी नहीं पड़ता, परंतु तुम्हारी तपस्या में विलंब कहां तक सिद्ध हो सकता है? ठीक है गुरुदेव, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं आपके आदेश के समक्ष सिर झुकाता हूं। मुझे अनुमति दीजिए गुरुदेव। बधाई हो महाराज। महाराज बधाई हो महाराज, महारानी ने चंद्रमा समान पुत्र को जन्म दिया है। सच? शिशु इतना सुंदर है कि उसके मुख पर दृष्टि नहीं ठहरती। ये शुभ समाचार सुनाकर तुमने हमें प्रसन्न कर दिया दासी। महाराज की जय हो। देखा गुरुदेव, मेरे पुत्र ने संसार में आने में देर नहीं लगाई। वो कदाचित नहीं चाहता था कि मैं उसे देखे बिना यहां से चला जाऊं। आइए गुरुदेव, इस शुभ घड़ी में आपकी उपस्थिति मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आइए गुरुदेव। महारानी, महाराज और कुलगुरु पधार रहे हैं। लेडी रघुपुत्री, विश्राम तुम्हारे लिए नितांत आवश्यक है। कितना सुंदर है गुरुदेव, मेरे पुत्र को, मेरे युवराज को, मेरे उत्तराधिकारी को आप इसी क्षण से अपने शिष्यों की श्रेणी में रख लीजिए। मैं इसका गुरु बनना स्वीकार करता हूं। तो फिर अपने नवजात शिष्य को कोई सुंदर सा नाम भी दे दीजिए गुरुदेव। इसका नाम तो मैंने इसके जन्म लेने से पहले ही सोच लिया था। यह नन्हा सा शिशु एक नए युग का निर्माता होगा, एक नई परंपरा का जन्मदाता, एक नए इतिहास का रचयिता होगा। मैंने इसका नाम सोचा है। इसका नाम होगा बलि। देखा जब नवजात शिशु जाग उठी यह आस, समय चक्र दोहराएगा फिर बीता इतिहास। चिनगारी है शेष तो भड़केगी फिर ज्वाल, कौन समझ पाया भला कभी समय की चाल, कभी समय की चाल। जो सुने I'm